सभी लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंडियन क्लासिकल वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है राग। राग क्या होता है, कौन से वो सुर हैं जिनसे राग बनता है, बहुत से ऐसे कुछ सवाल आते हैं लोगों के। कुछ तो ये भी पूछ लेते हैं कि अरे ये क्या गा रहे हो, ये क्या है, ये किस तरीके से गाया जाता है, यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो बड़ा मुश्किल है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की बात। राग क्या होता है, राग होता है सुरों के ऊपर निर्भर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप सभी ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, अप और डाउन, आरोह अवरोह। जैसे कि मैं थोड़ा सा यमन गुनगुनाता हूं आप सभी के सामने, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको अलाप की भी वीडियो मिल जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप सभी के सामने खड़ा करा था राग यमन का। अब राग क्या होता है, राग मूड पे भी डिपेंड करता है, राग एक मूड है। जैसे यमन जो है वो कुछ लोग कहते हैं हैप्पी नोट्स होते हैं उसमें, यमन में क्या नोट्स होते हैं, नी रे गामा धानी सा सानी दापा मागा रे सा, सारे सुर शुद्ध होते हैं, केवल मा जो है तीव्र है। लेकिन ये श्रृंगार रस का राग माना जाता है, बहुत सारे रस होते हैं जैसे कि श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस, ये कई तरीके के रस होते हैं जिन पे राग डिपेंड होते हैं। रस उत्पत्ति जिसे कहते हैं, रस समझना राग का, कैसा रस है, क्या है रस, इससे उसकी थीम पता चलती है। सबसे इजी मैं बताऊं तो इसको थीम कहते हैं। ऐसी राग है, कुछ सुबह के राग होते हैं, कुछ रात के राग होते हैं, कुछ दोपहर के राग होते हैं, कुछ जब दिन और रात मिल रहे होते हैं उसके राग होते हैं, जैसे कि संधि प्रकाश राग, पूरे धनाश्री मारवा, कई तरीके के राग। डिपेंड वो किस पे करते हैं, डिपेंड वो सुरों पर ही करते हैं, जिस जिस तरीके से सुर लगते चले जाते हैं उसी से होता है। और हाँ, हर एक राग की अपनी एक अलग मजा है, एक अलग एस्थेटिक है, एक अलग निचोड़ है। मैंने शायद ये वीडियो पहले भी बनाया है तो आप देखिएगा, पिछले के कुछ वीडियोस आप देखिएगा मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करा है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स क्या होते हैं, राग का निचोड़, राग किस तरीके से बढ़ा जाता है, राग की किस तरीके से बढ़त होती है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सौंदर्य एक होता है, उस सौंदर्य से हम जो है राग को आगे बढ़ाते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। सुर राग को सजाना है। मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि सिर्फ राग का आरोह अवरोह आना, राग में ताने मार लेना, राग की बंदिश गा लेना, राग में कुछ गुनीजन आपको बंधी हुई ताने बता देते हैं वो गा लेना और अपने गुरुओं को सुना देना, वो राग गाना नहीं होता। राग में मसाला कहां से लाएंगे, राग में एक फ्लेवर कहां से लाएंगे, मसाला तो खैर बड़ा अजीब वर्ड है, लेकिन राग में फ्लेवर कहां से लाएंगे, राग में खूबसूरती कहां से लाएंगे, वो होता है राग गाना। राग, रागों की अपनी एक फैमिली होती है जिसको हम थाट कहते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं
उसको ध्यान से सुनिए। राग गाना, सरगम गाना, अकार गाना, पलटे लगा लेना, ताने मार लेना, बहुत लोगों को शौक होता है कि हमें ताने अच्छी आनी चाहिए, लेकिन तान गाने से पहले आप राग की विलंबित तैयार करिए, राग की आलाप अच्छे से गाइए, राग निभाइए अच्छे से। राग क्या मांगता है? अगर मैं मुल्तानी गा रहा हूं तो मुल्तानी मुझसे क्या मांग रही है? अब ये एस्थेटिक्स में आ गए, सीधा सीधा नि सा गा मा पा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, या सा रे गा मा धा नि सा नि धा मा गा रे सा। राग तोड़ी और मियां की तोड़ी, मुल्तानी और मियां की तोड़ी जो है वो तोड़ी थाट में ही आते हैं, मियां की तोड़ी अपने ही थाट कर आ गए। थाट के बारे में एक्सप्लेन ना बाद में करूंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कैसे कुछ सुरों के फर्क से राग बदल जाते हैं। किसी राग का कुछ चरण, किसी राग का कुछ चरण। बहुत से लोग ये कहते हैं कि राग यमन गा रहे हैं, यमन में आप कोमल ऋषभ लगा दीजिए तो राग पूरिया कल्याण हो जाता है। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों, राग यमन अलग है, पूरिया कल्याण अलग है। केवल रे कोमल लग जाता है वो तो ठीक है कि नीरे गा, ये हो गया पूरिया कल्याण। नीरे ये हो गया यमन। ऐसा नहीं है कि कोमल ऋषभ लग गया तो यमन में कोमल ऋषभ लगा दे तो पूरिया कल्याण हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा कतई नहीं, किसी के सामने कह भी मत दीजिएगा। पूरिया कल्याण से पहले पूरिया में पंचम लग गया, पंचम लगना मतलब कल्याण। नीरे गा मा दा नि सा नि धा मा गा रे सा 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 ने नि दा नि रे नि मा मा दा नि रे सा। तीन तरीके के राग हैं, पूरिया मारवा सोहनी, तीनों के सुर एक। अब इसमें कैसे आप डिफरेंस बताएंगे? तब आता है रागदारी, राग तब पता चलता है राग एक दूसरे से कैसे अलग हो जाते हैं। सपोज ये तीन भाई हैं, पूरिया मारवा सोनी, तीनों के सुर ही एक हैं, लेकिन ऋषभ और दैवत पे थोड़ा ज्यादा टिक जाते हैं तो राग मारवा बनता है। कहते हैं मारवा में सा अल्प लगता है, यानी कि सा कम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं वर्जित है, लेकिन अल्प लगता है, कम। पूरिया में आप जब जाते हैं तो निषाद पे, गंधार पे ज्यादा फोकस रहता है, तीव्र मध्यम पे ज्यादा फोकस रहता है, और सोनी तो ऊपर ही खिलता है। उत्तरांग, उत्तरांग में गाया जाता है राग सुन, तो ये तीनों एक ही सुरों के राग, पूरिया मारवा सुन। लेकिन इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो रागदारी आपको सिखाती है। देखिए भाई, सुर तो एक ही है, लेकिन ये सिर्फ केवल आपको एक उस्ताद बता सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस्ताद हूं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अपने गुरु जी से सीखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिर्फ आरोह याद कर लेना, उसमें थोड़ी थोड़ी ताने गा देना, बंदिश गा देना, वो राग गाना नहीं होता है। आरोह समझिए राग से पहले, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं सभी लोगों को। फिर उसके एस्थेटिक्स आते हैं, धीरे धीरे बढ़त आती है, इसलिए कहते सुनिए
तानसेन होने से पहले कानसेन होना भी बहुत जरूरी है। सुनकार अगर आप अच्छे होंगे तभी आप रागदारी समझेंगे। राग क्या होता है? यही होता है राग। अब मैं बताता हूं जाति, रागों की जाति होती है। मिनिमम एक राग में 5 सुर लगने बहुत जरूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि 7 सुरों के संगम से बनती है गायकी या राग, शास्त्रीय संगीत क्या है, सीधा सीधा डेफिनेशन दे देते हैं, 7 सुरों का संगम। संगीत क्या है? 7 सुरों का संगम। 12 स्वर होते हैं, सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा अचल, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, और ऊपर के सा को हम क्या कहते हैं? टीप। 12 सुर हो गए। अब क्या होता है, मिनिमम 5 सुर होते हैं जिनसे राग बनता है। जैसे कि अब मैं बताता हूं, मेरा बड़ा ही पसंदीदा राग है सा गा मा दा रे सा। यानी कि राग मालकोस, मालकोस में शुद्ध निषाद लगा देंगे तो चंद्रकोस बनता है। थोड़े से एस्थेटिक्स डिफरेंट होते हैं, स्लाइटली निषाद पे थोड़ा ज्यादा टिका जाता है। वैसे मैं गुस्ताखी माफ चाहता हूँ, गुनीजनों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चंद्रकोस भी निभाया है, तो मेरी कोई जो है वो मैं अपने आप को इतना बड़ा कलाकार नहीं समझता कि मैं आप सभी लोगों के सामने पूरा उसको प्रॉपरली गा के दिखाऊं, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ। 5 सुर के कई राग होते हैं, तो 5 सुर के रागों को कहते हैं दोस्तों ऑडव, ऑडव जाति का राग है। यानी कि ऑडव, शाडव और संपूर्ण, ये 3 तरीके के जो है वो जातियां होती है, राग रागों के नोट्स होते हैं। ऑडव 5, शाडव 6, संपूर्ण 7। संपूर्ण क्यों? 7 सुरों के जो 7 सुर होते हैं उनके जो राग, जिन रागों में 7 सुर लगते हैं वो होते हैं संपूर्ण राग। 6 शाडव, 5 ऑडव। कुछ ऐसे भी राग होते हैं जिनमें जाते में तो 5 सुर लग रहे हैं और वापसी में 7 सुर लग रहे हैं, तो उस जाति को क्या कहेंगे? ऑडव संपूर्ण। ऑडव ऑडव 5-5, शाडव 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 6-6, संपूर्ण, या कुछ लोग तो संपूर्ण संपूर्ण कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं संपूर्ण सिर्फ संपूर्ण 7-7। जाते में 5 सुर लगे, आते में 7 सुर लगे, यानी कि ऑडव संपूर्ण। जाते हुए 6 नोट्स लगे, आते में 7 लग गए, शाडव संपूर्ण। जाते हुए भी 7 नोट्स लगे और आते हुए भी 7 नोट्स लगे, संपूर्ण। ये डिफरेंस होते हैं। और कुछ ऐसे भी राग होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं, सब कुछ गोल 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 होता हुआ जा रहा है। इसे कहते हैं वक्र संपूर्ण। सारे सुर लग रहे हैं टोटल 7 के 7। अब आप पूछेंगे कि आप तो बोल रहे थे कि 12 सुर है, तो भाई वो कोमल भी तो है, वरना तो संपूर्ण के आगे भी कोई जाति होती, संपूर्ण के आगे भी कुछ आगे हम कर सकते थे अगर 12 के 12 सुर। तो ये समझिए छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं से ही राग बनता है। राग का मैंने क्या बताया, मूड है राग का, एक अपना एस्थेटिक्स है, राग किस तरीके से निभाया जाता है, हर राग का एक अपना मजा है। राग को निचोड़िए, राग जो रस पैदा करेगा उससे आप दूसरों को जब आप सुनाएंगे तो उनको भी मजा आएगा। बहुत सारी चीजें, एक बार आप गाएंगे
तब और अच्छे से पता चलेगा। मैं आगे जाने के बाद आप सभी को कुछ गाकर भी एक्सप्लेन करूंगा, गाते गाते थोड़े लंबी वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको गाकर दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से जो है वो राग बढ़ा रहता है। आगे तो बहुत सी चीजें आएंगी, अलापायन, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, अलग अलग प्रकार की ताने, बहुत सारी चीजें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मुझे आखिरी में मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, आप मुझको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है गाने में। मैंने कुछ अलंकार की भी वीडियोस डाली है, तो वो आप देखते रहिए मेरे चैनल को। साथ ही अपने कमेंट्स लिखें मुझको और मुझे बताएं, मैं एक Q&A भी करूंगा, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी सेशन रखूंगा, और जिन जिन लोगों के सवाल मुझे समझ आते रहेंगे मैं उन सभी के जवाब देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी वैल्यूएबल साबित हुई होगी। हमारे चैनल को जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जिससे कि सभी के पास सरलता से और बहुत आसानी से चीजें पहुंचती रहे और सबको समझ आता रहे। आप सभी लोगों से मैं इजाजत चाहता हूँ, घर रहिए, आराम करिए, फैमिली वालों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत तकलीफ में है हमारा देश और सारे देश, जितने भी पूरी दुनिया है वो बहुत तकलीफ में है। आप सभी से इजाजत चाहता हूँ और मिलूंगा आप सभी को मेरी नेक्स्ट वीडियो में।